बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए राज्यसभा में पॉक्सो संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को परिभाषित करते हुए बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान लागू किया गया। उच्च सदन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की हैं। साथ ही उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ 18 राज्यों में ही ऐसी अदालतों की स्थापना के लिए सहमति जताई गई है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए कुल 767 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जिसमें से केंद्र 474 करोड़ रुपए का योगदान करेगा। बच्चों के खिलाफ अपराध इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इस बात को प्रोत्साहन दे रही है कि बच्चे अपने विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के बारे में निडर होकर शिकायत कर सके और अपने अभिभावकों को बता सके। इस नए विधेयक के अनुसार अगर कोई बच्चों के साथ अपराध करता है तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। और दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल सरकार ने यौन अपराधों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया है, जिसमें ऐसे 6,20,000 अपराधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।